राम भद्रपुर वाली मैया माँ दुर्गा का स्थापना कम से कम करीबन 200 वर्षों से होते आ रहा है। इस बार की हम खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि राम भद्रपुर में माँ दुर्गा का पूजा काफ़ी दिनों से होता है, जो कि हर भक्तों का मनोकामना पूरी होती है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, पूरी खबर देखिए। और हम आपको गांव के पनसिहा जी के भी तस्वीरें दिखाएंगे। और हमारे रामभद्रपुर पंचायत में जो माँ दुर्गा सुबह पट्टी सोमनाथ पट्टी के प्रांगण में होती है, बलि प्रदान होती है, खास करके मौके पर मौजूद मुखिया, सरपंच और सभी जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता जो सौरभ झा सभी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता सौरभ झा ने कहा कि खासकर हमारे मैया के यहाँ हर एक साल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ श्री श्री माँ दुर्गा पूजा 160 सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, जहाँ महिलाओं अपनी खुश भर के से अपनी मांगे मांगती है और व्रत करती है। आप अपने चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और आपको बता दें कि पनसिहा चौक में खास करके मदन सनी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और विधायक भी हैं, उन्होंने आकर फीता काटकर पनसिहा चौक के उद्घाटन किए, जहां मौके पर वहां के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे पूरे चैनल को जरूर हमारे खाली हो जाए मैया तू भरा दरबार में की दान देने वाले माता की, उनकी माता पिता की। माँ दुर्गा का पूजा तो यहाँ सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आपका चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ माँ का पूजा लगभग 20 वर्ष पहले से भी होता है। पहले कलश का पूजा होता था और 2010 से हम लोग माता का जो पूजा कर रहे हैं, मूर्ति का पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर सारा व्यवस्था ठीक है, प्रशासन का भी व्यवस्था सही है और पूरे चारों तरफ किसी कैमरा लगा हुआ है। और हमारे जितने भी वॉलंटियर है, पूजा कमेटी का सब एकदम बिल्कुल एक्टिव है, तैनात है। यहाँ कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, सारा व्यवस्था ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललित माझी हुआ, जो कि दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष हुआ। और हरपन सिन्हा हो गया, पोस्ट टुकड़ा जिला दरभंगा, थाना बहादुरपुर, ओपी।